माता जानकी का पता लगा करके लंका से वापस आए। बानर भालुओं ने हनुमान जी को देखा, बानर भालू खुश हो गए। हनुमान जी बोले इतने खुश क्यों हो रहे? बानर भालू बोले सुग्रीव ने कहा था या तो पता लगा के आना वरना मर जाना, हम लोगों का नया जन्म हो गया, आप वापस आ गए पता लगाकर, हम लोगों का जन्म हो गया। हनुमान जी बोले तुम्हारा हमारा वापस आने पर जन्म हो गया, लेकिन हमारा तो माता जानकी जी को पाने से दूसरा जन्म हो गया, हमारा भी जन्म हुआ। बानर भालू बोले मतलब? बोले जब हम गए तो माता जानकी ने हमको बेटा कह दिया। कब? माता जानकी जी ने कहा था जब हम लंका पहुंचे थे, तब माता जानकी जी ने हमारे प्रताप को देखकर, प्रभु की कृपा को देखकर कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो करहिं बहुत रघु नायक छो। जाओ आज से तुम हमारे बेटा हो। हनुमान जी बोले माँ तुमने हमको बना लिया बेटा, तुम हो गई माँ, हमारी एक आदत है। माता जानकी बोली क्या? बोले हमारा पहले भी जन्म हो चुका अंजना माता के यहाँ, पर जन्मते ही हमको भूख लगती है, तो पिछली बार सूर को खा गए थे ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट में ही सूर को खा गए। अच्छा बताइए कोई भूख लगे तो सूर को खा सकता? पर हमारे हनुमान जी हैं ही इतने अद्भुत। तो माँ हमको जन्मते ही भूख लगती है, तो माता जानकी बोली पिछली बार सूर को खा गए थे, अब क्या खाओगे? बोले फल खाएंगे। लेकिन बानर भालू बोले महाराज हमारा भी जन्म हो गया। हनुमान जी बोले क्यों? बोले तुम वापस आ गए इसलिए हमारा जन्म हो गया। हनुमान जी बोले हमारा भी जन्म हो गया, चलो क्या किया जाए? तब मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधुफल खाए। अब जरा देखना, हनुमान जी वापस आए तो बानर भालू सहित मधुबन में जाकर के फल खा रहे, लंका में भी हनुमान जी गए तो अशोक वाटिका में फल खा रहे, क्या गजब की बात है। हनुमान जी महाराज लंका में अशोक वाटिका के फल खा रहे, वहां पर पुरुषार्थ के फल खा रहे, और जैसे ही वापस आ रहे तो मधुबन के फल खा रहे। बात बहुत स्पष्ट और सीधी है, मानो हनुमान जी कहना चाहते हो जो पुरुषार्थ करके भक्ति को पालेगा, भगवान को पालेगा, वही जिंदगी में जीवन के मीठे फलों को खाएगा। मधुबन यानी मीठा, मधुबन के फल खाए हनुमान जी। बानर भालुओं ने खाया, और जैसे ही खाए तो रखवारे जब बर्जन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े रखवाले आए मधुबन के बाटका के रक्षक, एक एक मुक्का मारा। हनुमान जी बोले हम तो लंका में भी बिना इजाजत के खाया है, वहां भी हमने सब राक्षसों को मसक दिया, ये तो भारत है। और हनुमान जी पहले ऐसे कथा वक्ता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहली कथा की लंका में जाकर। और हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो बिना वीजा पासपोर्ट के घुस गए थे लंका में। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके अंदर विविधता है, इसीलिए कामत जयी है हनुमान, कामत जयी, इनको कामत जयी। हनुमान जी बानर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी बानर है, हनुमान जी बंदर नहीं है, हनुमान जी तो सच बताएं सुंदर हैं। आओ, हनुमान जी बंदर नहीं है, हनुमान जी सुंदर हैं। अच्छा हम लोग अगर कोई लड़का थोड़ा सा बिगड़ेल हो, मुंह थोड़ा अलग टाइप का हो और बाल थोड़े बिखरे हो तो क्या कहते, क्यों बंदर बना कहां घूम रहा है? तो हम लोग बंदर कह करके चिढ़ाते हैं, पर सच बताए हनुमान जी बंदर नहीं है, हरियाणा के पागलो हनुमान जी तो सुंदर हैं। और राम कथा कितनी गजब की है जरा देखना, बंदर भी सुंदर हो सकता है अगर राम जी का भक्त हो, बंदर भी सुंदर हो सकता अगर राम जी का भक्त हो। अच्छा हनुमान जी बंदर हैं फिर भी सुंदर हैं, कैसे हैं बोलो? अच्छा कोयल कैसे बोलती? मीठी। अरे रुको तो हमारी कथा का रस ना बर्बाद करो, अब कुकू गुदोरी बोलने की जरूरत है कुछ चीजें। अच्छा कैसी बोलती है? मीठी बोल दो। कैसी बोलती है? और कौवा कैसे बोलता? कर्कश।
लेकिन कौआ जो कर्कस बोलता है, लेकिन रामायण का कौआ मीठा बोलता है। इसमें काकभूषुण्णी जी की कथा आई है, वो मीठी कथा सुनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि तुम कैसे हो, कहां रहते, कौन सी जाति के हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुम राम के भक्त हो तो सबरी को भी महान बना दिया जाता है। वाल्मीकि भी ब्रह्मज्ञानी हो सकते। जरा रामायण को पढ़ना, गोस्वामी जी ने लिखा, उलटा नाम जपो जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। काकभूषुण्णी जी कौआ थे, उनकी वाणी मीठी हो गई क्योंकि उन्होंने राम जपा, वाल्मीकि जी ने राम जपा। और बंदर भी सुंदर हो गया क्योंकि वो राम जी के दास हो गए। कंचन वरण विराज, एक जगह और हनुमान जी के रूप की वर्णन है, कनक वरण तन तेज विराजा, कनक वरण तन तेज विराजा, मानवा पर गिर कर राजा। हनुमान जी सुंदर है। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुपल खाए, रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। हनुमान जी ने मधुबन के पल सब वानर भालुओं को खिलाया, सभी राम जी के पास आए। सुग्रीव जी ने कुशलता पूछी, जामवंत जी ने पूरा परिचय दिया। यहां पर जामवंत जी ने कथा सुनाई हनुमान जी, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सम्मुख ना जाए सुई बरनी। हनुमान जी के चरित्र को श्री जामवंत जी ने राम जी के चरणों में सुनाया। राम चरित्र को सुनाया किसने, हनुमान चरित्र को सुनाया किसने, राम जी को, जामवंत जी ने। सुन कौन रहा, राम जी। अच्छा, कितनी गजब की बात छिपी है जरा देखना। हनुमान कथा जामवंत जी सुना रहे तो सुन राम जी रहे, लेकिन जब कोई राम कथा सुनाता है तो सुनने वाले श्रोता हनुमान जी हो जाते हैं। और कितना गजब का सूत्र है, राम कथा को सुनने के लिए अगर हनुमान जी आते हैं तो हनुमान कथा को सुनने के लिए स्वयं श्री सीता राम जी आते हैं। ये कथा का सार है। राम जी को कथा सुनाई, राम जी प्रसन्न भए। हनुमान जी से पूछा, क्या कहा जानकी जी ने। तब हनुमान जी ने, चलत मोही छू रामन दीनी, रघुपति हृदय लाए सोईली। सरकार, ये चूड़ामणि, हनुमान तुम तो बहुत बलवान हो, क्यों लंका चले गए, आग लगा दी, रावण की मूंछ हिला दी अपनी पूंछ से। हनुमान जी बोले, सरकार हम बलवान नहीं है, सो सब तब प्रताप रघुराई। ये आपके बल का प्रताप है कि हम रावण को हिला पाए। बोलो जय सिया राम। और कितनी गजब की बात, अंतिम बात बता रहे हैं आज की कथा की, कितनी गजब की बात है, जो अपने बल पर जिएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो प्रभु के बल पर जिएगा वो हनुमान जी की तरह नाम कमा पाएगा। इसलिए हम लोगों को अपने बल पर नहीं जीना, किसके बल पर जीना, प्रभु के बल पर जीना, गुरुदेव के बल पर जीना। हमारी नजर में तो एक गुरुदेव बहुत अद्भुत है, जय 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 हनुमान।